इस कचरे को बंद करो भाई। दो साल से क्या हो रहा है आपको भी बहुत अच्छे से पता है। इस बार क्या हुआ बहुत अच्छे से आप सभी जानते हैं। बंद कमरे में क्या क्या चीजें हुई है उस बच्चे को भी ये सोचना चाहिए। अगर आप रैंक ला रहे हैं, अगर आप टॉप कर रहे हैं तो किसके लिए टॉप कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ। मैं कुछ नहीं कह रहा इस कॉन्ट्रोवर्सी में, सही हो रहा है गलत हो रहा है कौन क्या कह रहा है। सभी को नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करूंगा बेहद अच्छे होंगे और मजे में होंगे। काफी दिनों से आपके सामने चल रही है चर्चा AIR 1, AIR 2, AIR 3। मैं कुछ नहीं कह रहा इस कंट्रोवर्सी में, सही हो रहा है गलत हो रहा है कौन क्या कह रहा है। बच्चे की रैंक आती है AIR 1, उसके लिए वो मेहनत करता है, लेकिन उस बच्चे को भी ये सोचना चाहिए। अगर आप रैंक ला रहे हैं, अगर आप टॉप कर रहे हैं तो किसके लिए टॉप कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। आप मेहनत कर रहे हैं तो बेटा आपका रिजल्ट आएगा। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे मिलिए, अपने रिजल्ट को डिस्कस कीजिए, अपने रिजल्ट को शेयर कीजिए। बट मैं एक ही बात कहूंगा, किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है, किसी बच्चे की रैंक आती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके क्रेडिट होता है ना। ये नहीं है कि मेरे से पढ़ा उसका सिलेक्शन हो गया, मेरे से पढ़ा उसका सिलेक्शन हो गया। तो स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा, मैं टीचर से कुछ नहीं कह रहा, मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, बच्चे अगर आपकी रैंक आती है AIR 1, AIR 2, AIR 3 किसी भी एग्जामिनेशन में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो रैंक आपने ली, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ली, आपने अपने लिए मेहनत की, आपने अपने घर वालों के लिए मेहनत की। सबसे पहली बात, इस कचरे को बंद करो भाई, है ना। एक बच्चा 10-10 जगह 20-20 जगह जाके कहता है ये मैंने यहाँ से पढ़ा, ये मैंने यहाँ से पढ़ा, ये मैंने यहाँ से पढ़ा। उसने कहाँ से पढ़ा उसको पता होगा, क्रेडिट उसका है। दो साल से क्या हो रहा है आपको भी बहुत अच्छे से पता है। इस बार क्या हुआ बहुत अच्छे से आप सभी जानते हैं। बंद कमरे में क्या क्या चीज़ें हुई है और पता है, चलो इस बार हो गया, पिछले साल हो गया, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई बच्चा आके कहता है कि मैं इस टीचर से पढ़ा, तो बाकी दुनिया तो इस पर भी डाउट करेगी ना कि डेफिनेटली ये भी बिका होगा। भाई स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन ले रहा है, रैंक ला रहा है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। तो सबसे पहले क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का है। बेटा ये जो आपका फेस ऐसे होता है ना सिलेक्शन के बाद, इसको धीरे 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 ऐसा देखना नहीं चाहते ना, तो बेटा अपने पास रखिए अपनी खुशियां, डिस्कस करिए। मैं मना नहीं करता, टीचर के पास आप जा रहे हैं, मिलिए टीचर से, आप खुशी होती है बेटा। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, टीचर भी आपके पेरेंट्स के जैसे हैं, आप उनके साथ भी अपनी खुशियों को शेयर करते हैं, अपने आप खुशी होती है, एक सेलिब्रेशन होती है, बिल्कुल होती है मैं समझ रहा हूँ। लेकिन बेटा क्रेडिट आपका है। ये जो क्रेडिट है कि सर ये मैं इससे पढ़ा उससे पढ़ा, 10-10, 20-20 जगह मत जाइए, ठीक है आप खुश हैं, अपनी खुशियों को बेटा अपने तक सीमित रखिए, अपनी फैमिली तक सीमित रखिए, अपने टीचर्स पास जाइए, लेकिन गंदगी मत करिए भाई, गंदगी मत करिए। जो फिलहाल मार्केट में हो रहा है आप सभी जानते हैं। मैं किसी टीचर के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा ना मैं कहूंगा, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, स्टूडेंट्स बेटा रैंक ला रहे हो, AIR 1 ला रहे हो, AIR 2 ला रहे हो, CDS में ला रहे हो, CGL में ला रहे हो, क्या हो रहा है ये, है ना, हो क्या रहा है सर? बस शब्द नहीं है मेरे पास। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सबसे पहले स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, उनके आगे हाथ नहीं जोड़ रहा मैं, उनको सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, रैंक ला रहे हो बेटा अपने लिए लेके आ रहे हो, है ना, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखो। आप 2-2, 3-3, 4-4 जगह जाके कह रहे हैं कि इससे पढ़ा, इससे पढ़ा, इससे पढ़ा, इससे पढ़ा, बेटा आपने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेक्शन के लिए, आपने मेहनत की है, आपने ही मेहनत की है, आपका रिजल्ट है, तो इस बात को समझिए। और मैं सभी को एक ही बात कहूंगा भाई, 2023 का पेपर आ चुका है ना, डेट आ चुकी है बेटा, जुलाई में पेपर है, नो डाउट आपको बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल, है ना, जुलाई में आपका पेपर है SSC CGL 2023 का, है ना, SSC CGL 2023 का बेटा पेपर है, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, 7500 वैकेंसी भी है, है ना। कई बच्चे कह रहे हैं 7500 कम है बेटा, ये टेंटेटिव है, डेफिनेटली वैकेंसी बढ़ेगी, कारण क्या है 2024 में इलेक्शन है, तो बेटा 2023 CGL पे ध्यान दीजिए, आपको बहुत मज़ा आ रहा है हाल फिलहाल, है ना, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, एक्साइटमेंट होती है ना, कभी भी आप क्रिकेट खेलते हैं तो बेटा एक टीम से अगर जैसे एक टीम ने बैटिंग की, ये भी होता है कि दूसरी टीम बैटिंग कैसी करेगी, कौन बाउंड्री चौका मारेगा, कौन छक्का मारेगा, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में होती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको कहूँगा बेटा SSC CGL जो जुलाई में पेपर होने वाला है 2023, उस पे ध्यान दीजिए। AIR 1, AIR 2, AIR 3 जितने भी टॉपर्स हैं बेटा खुश रहो, मेहनत की है आपने तो खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन इस तरीके से मत कीजिए जो हाल फिलहाल चल रहा है दो साल से, है ना बेटा। बंद कमरे में खुशियाँ नहीं होती, है ना, खुशी है तो बेटा बाहर आके सेलिब्रेट करो ना, आप टीचर्स से मिलो, मैं कहता हूँ खूब मिलो टीचर्स के साथ, अपनी खुशियों को शेयर करो, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, लेकिन ये ना हो कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के टीचर से पैसे ले रहे हैं, भाई बहुत गलत चीज़ है ये, बहुत गलत है, है ना। मैं इस बार के रैंक होल्डर को नहीं कह रहा, मैं जनरली कह रहा हूँ, बहुत गलत बात है भाई, आप अपने आप को बेच रहे हैं, आप अपने जमीर को बेच रहे हैं, नहीं गलत चीज़ है। तो बेटा मेहनत करिए सिलेक्शन के लिए, टॉप करिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, टीचर्स मेहनत करते हैं आपके साथ। एक्चुअल में पता है क्या होता है, एक टीचर और एक सड़क एक जैसे होते हैं बेटा, टीचर भी आपको अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करता है। जैसे एक सड़क बेटा आपको रास्ता मिलता है ना, तभी तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तो बेटा टीचर और एक सड़क एक जैसी है ना, तो बेटा अपनी मंजिल तक पहुंचिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।